क्या मुंगिया तुम इतनी बड़ी हो गई हो, मैं तो इतनी बहुत ही छोटा में ही खरीद कर लाया, सोने चांदी की भाव में तुम्हें खरीद करके लाया और मैं अपने बहन के साथ तुम्हें यहाँ भेज दिया कि बहन को सेवा करना। हाँ राजा साहब, सचमुच में तुम मुझे पहचान गई हो। ठीक है मुखिया, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ मिल गई हो। देख मुखिया, मैं पीछे से जाऊंगा, तुम पहले पानी लेकर के जाओ और मेरे बहन को सूचना दे देना कि आपके भाई भक्त राजा गोपी चंद आ रहे हैं। हे राजा साहब, मैं तो सारी बात सुना दूंगी रानी साहब से, लेकिन लेकिन ये जोगी फकीर के रूप में आपकी बहन पहचान सकती है? कदापि नहीं राजा साहब। क्यों नहीं पहचानेगी, जब तुम मुझे पहचान ली हो, जब मैंने एक दिन में तुम्हें खरीद कर लाया, बस एक दिन तूने मुझे देखी तो पहचान गई। मैं तो कितने वर्षों तक दोनों भाई और बहन एक साथ खेला है, वक्त मुझे कैसे नहीं पहचानेगी। हे राजा साहब, आपकी बहन 14 कोस की रानी है, धन का घमंड है उसे, वो धन के कारण वो किसी को नहीं पहचानती है, और भाई भाई को इस रूप में कैसे पहचानेगी? हे राजा साहब, ऐसा कीजिए आप अपने बाण के द्वार मत जाइए राजा साहब। नहीं मुखिया, जब मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो बहन के द्वार जरूर जाऊंगा और बहन के हाथों से 5 मुट्ठी भिक्षा मुझे लेना है। तुम जाओ और जल्दी जाओ, बहन से यह सूचना दे देना। ठीक है राजा साहब, मैं अभी जा रही हूँ। जाओ, आता हूँ जब जाइया मुंगिया को इतनी देर हो चुकी है, पर अभी तक तुलसी नार से नहीं आई है। मैं कुछ देर और देखती हूँ मुंगिया कितने देर में आ जाती है। हेलो, और आ गई क्या तेजा बादेरी आ गई मुंगिया, कहाँ हो जब लगाई मेरे पैदा हो, कहाँ के लकिया तोड़ा दे मुझे ना। रानी नाचदी कबा हो जुमई, अब मुंगिया दई दई रानी नाचदी काहे ना। आ गई राहियानी हरियाई के मुंगिया, आज दिन तो हरा
अरे बाँ, अरे मुंगिया, आज मैं तुम्हें क्या देख रही हूँ? जब जुलसीनार से आई हो तो बड़ी तुम हंस रही हो उतने देर से, ऐसी कौन सी बात है? हे रानी साहब, आज तो खुशी की बात है रानी साहब। हाँ, मेरा तो मन कर रहा है आसमान से छलांग लगा दूं। ऐसी कौन सी खुशी की बात है? हे रानी साहब, आपका भाई मिले थे। हाँ रानी साहब, आंख भाई आवे ही क्या? हम जान रही है हमर भाई कहियो आवे चाहे नहीं आवे, हर दुर्गा पूजा में हमर भाई हमरा द्वार पर एको घंटा खातिर आवे छे। हगे हगे हमर रानी साहब बोले नहीं लिखे गय मां आंख भाई कल खनु की गे मुंगिया जो हमरा बहन के कहिए की से कुर्सी आर लगा के रखाई ले आ सुंदर सुंदर खाना बना के रखाई ले। गय मां आए हम अपना भाई खातिर सोना सिंहासन लगेबे उन खारा खातिर भोजन। गय मां ई चंपापुर नगर के लोग सुनते हमर भाई के भोजन किरकी देबे जैल तो खात हो जते। हगे जे हमर भाई इतने न जखन हमरा दरवाजा पर हगे गय सोना के थाली में अपना भाई करते होते रहे। हगे गय सोना सिंहासन पर बैठो हगे असली प्रकार का अपना हाथ से भोजन बनाए कितना भाई खिलाए गए। हां हगे मुंडिया हां रानी साहब के त हमरा भाग बोला चला दिन जय मां हम देखले बहुत दिन के बाद राजा साहब आए रलखनी। गय मां की होता उनका अथी में हगे गे जोन तन जल्दी से बोला दे आ रहिया इस रोल पर खुश होगा उनके तरफ से 10 लाख पुरस्कार है और मैं अपने विदेश नाच पार्टी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और करती रहूंगी। राजा साहब हम गया देखिए जो आपकी बहन बैठी है जो सोने के कुर्सी पे बैठी है जाइए अपने बहन से मुलाकात कीजिए। ठीक ठीक मैं जा रहा हूँ। ठीक है जाइए राजा साहब। आज हो कि परनामा बहिनिया
रनिया में कारिया आते हो पजिया है मानसया शी शरण के प्रणाम बहन। अरे जा रे चोगी थकी। तू मुझे बहन किस हिसाब से कह रहा है? तू तो एक जोगी फकीर है और जोगी फकीर कभी मेरा भाई नहीं बन सकता। क्या बहन तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं भक्त राजा गोपीचंद हूँ बहन। अरे बहन क्यों ना मैं पहचानूंगी। मैं अपनी माँ के एक गर्भ से भाई बहन पैदा ली थी और मैं अपने भाई को नहीं पहचान पाऊंगी। मैं इसी धोखा कभी नहीं खा सकती। तू मेरा भाई कदापि नहीं हो सकता है। सुनो बहन, मैं अगर तुम्हारा भाई नहीं हूँ, एक बार भाई कह करके तुम्हारे द्वार पे आया हूँ, मेरे झोली में 5 मुट्ठी भिक्षा दे दे बहन। अरे चार जोगी, मैं तुम्हें एक बार क्या, 7 जन्म तक मैं तुम्हें भाई नहीं कह सकती। तू एक जोगी फकीर है, तुम्हें अगर भिक्षा चाहिए तो अपने मुख से मुझे एक बार रानी कह दे। नहीं, मैं तुम्हें रानी कभी नहीं कह सकता हूँ। भला अपनी बहन को रानी कैसे कह सकता हूं? कदापि नहीं कह सकता हूं। आइए लद्दर दुवरिया ए बाहिना, ए अगर मुझे बहन को अगर मैं तुम्हारे मुंह तोड़ के रख दूंगी। आ हे भैया जी तो हारा बहिनिया भैया भक्त को रानी साहब, ये आप अपने भाई के साथ अत्याचार कर रही हैं। अरे मुंगिया, तू जानती है जो मेरा भाई है वो? मैं जानती हूँ, आप नहीं जानते हैं। मैं पहचानती हूँ, ये आपका भाई है। इस तरह आप अपने भाई से ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं रानी साहब? अरे मुंगिया, अरे तारा की हो क्या बहन,
तुम मुझे नहीं पहचानती हो क्या? हेलो हेलो हेलो, क्या नाम? क्या तू मेरा सच में भाई है? हाँ बहन, मैं तेरा भाई हूँ। क्या प्रमाण चाहती हो तुम? मैं वह प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ। अगर तू सच में मेरा भाई भक्त राजा गोपीचंद हो, ये बताओ सबसे पहला नंबर मेरा घर कहाँ पड़ते हैं? मेरे ससुराल कहाँ पड़ते हैं? मेरी शादी में कैसे बराती आए थे? कैसे घोड़ा खरसार आए थे? मेरे भैया उन बराती को क्या क्या भोजन कराए थे? मेरे तन पे गहना दिए थे क्या क्या? ये सारे तुम बता सकते हो? हमें बता दी हो। अरे एगो तो जोगिया में दिमाग क्या जोगी, ये सब तुम बता सकते हो? जरूर बताऊंगा बहन। अलगतर नहीं हरबा बहिनिया झूना माना गरिया बहिया, झूना माना गरिया बहिया। आप पिताजी के नमवा राजा की लज्जा रडिया बहिया चंपापुरा सा हरिया है बहिया। तो हर रोज शादी में बहिना अच्छा आ ये गला के हाथी लैया। किया था भो जगमा कर
पहिया शादी में 1 लाख हाथी 1.25 लाख घोड़ा 9 लाख लोग प्रयाग आए थे और भोजन में मैं खुआ मलाई उसे भोजन करवाया था बराती को और पानी के बदले में मैं दूध उन्हें पिलाया था, दूध से हाथ भी धुलाया था। ये बता जोगी, मेरे भाई मेरे तन पर क्या क्या गहना दिए थे? अच्छा, वह भी मैं बताऊंगा तब तो विश्वास हो जाएगा तुम्हें। हाँ हाँ, अगल गिर मलहारा बहिया तुहारा के दिल बहिया तुहारा के दिल बहिया गांव सब सरकार का आदमी किए छे पर हे नाइक आई मुस्कान भी इधर आ देखियो त भन राजा गोपी चंद लिखल छे आइयो सरकार इधर आ देखियो त भन राजा गोपी चंद लिखल छे देखियो बलबन करे छे कोई गाय माई गप मार देवा हां बजा ले हां बुरा चाचा देखो भक्त राजा गोपी चंद लिखल छे गाय माय ई गांव के जे भी छन छौरा मर्द कोई नहीं कहल कई पर भक्त राजा को ई जगिया के लागै छै ई गांव खोसै से पहले ओए पन्ना पर जे छै एगो बुढ़वा देखले गाजा जाते ई बाबा जी ओई गाजा दकर पर बैठा छै आ जानते छौ गाजा पिया पर सब ई बुढ़वा को गाजा पीले न त जगिया के आ सारा एक एक खुदिया खुदिया बात हमर सुनई ने होत तावी पर जगिया जे छनी एक एक कहानी हमर हरे जगिया हां बम हरे रे तोरा को सिखाई दे तो हम गांव तला मतलब बुझले रे तू हमर भाई नहीं छ क्या तुम्हारा भाई नहीं है? नहीं नहीं, तू मेरा भाई कभी नहीं हो सकता। अगर तुम्हें 5 मोते भिक्षा लेना है तो अपने मुखार बीन से एक बार मुझे मेहरबानी कह दे। मैं 5 मोती भिक्षा छोड़ छोड़ तुम्हें 10 मोती भिक्षा दूंगा। नहीं ऐसा ऐसा कभी नहीं ऐसे ऐसा। अरे गन गन मारे छे वो छवरा क्या तो दर्द तोरा काहे होय छौ से पहले बोल बोल तो हे रानी साहब आप मेरे सामने आप अपने भाई को मार रहे हैं इसलिए मुझे आंख से आंसू निकल रही है आप इसे मत मारिए रानी साहब मत मारिए हगे मुंगिया हगे ई मगर मस्त कहां तू हमरा सब लागै छै ई बाबा जी आप साथ तोरा तुलसी ई नार पर से टाका फीत को लो नहीं नहीं रानी साहब आमायो ना दरगवा हे रानी हाय तोहरा के लागन रानी Again.
सुनो बहन, क्या तुम मुझे पांच मुट्ठी भिक्षा नहीं दोगे? कदापि नहीं। तुम बहन कहोगे तो मैं तुम्हें कभी भिक्षा नहीं दे सकती। अगर तुम अपने मुखारवी से एक बार मुझे मेहरबानी कर दो, मैं अवश्य भिक्षा दूंगी। नहीं, चाहे मुझे कितना भी कष्ट झेलना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें रानी कभी नहीं कहूंगा। सुनो बहन, बोलो जल्दी। बहुत देर हो गया है, बहुत जोरों से भूख लगा हुआ है। एक काम करो बहन, तुम्हारे घर में कुछ भोजन है तो भोजन करवा दे। क्यों नहीं? भूख मेरा प्राण निकल रहा है। हाँ क्यों नहीं? ये चंपापुर शहर में कोई भी जोगी फकीर मेरे द्वार पर आता है, उसे पेट भर हो जाता है।